हेलो बच्चों, वेलकम बैक। टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज का नेक्स्ट पार्ट आज हम करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द ट्रांसपोर्ट एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ट्रांसपोर्ट आर जनरली नोन फॉर द पीपल एंड गुड्स। ठीक है, वाई आर ट्रांसपोर्ट वी कैन ट्रांसपोर्टेड पीपल, यानी पीपल कैन ऑल्सो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द गुड्स टू। ठीक है, सामान और इंसान दोनों ही ट्रांसफर होते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। मॉडर्न सोसाइटी नीड्स स्पीडी ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली। आज भागती दौड़ती जिंदगी में वी रिक्वायर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट मीन्स इन द अर्लियर टाइम्स व्हेन पीपल यूज टू मूव द बुलेट कार्ड्स, ठीक है, और डिपेंडिंग ओवर द लाइफ स्टॉक, ठीक, या फिर पुलिंग बाय द ह्यूमंस सम ऑफ द लोड्स विच हैज बीन पुल्ड बाय द ह्यूमंस, इन सब चीज़ों पे हम डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, आज हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है और इस फास्ट लाइफ को और फास्ट करता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। हम लोगों को एक साथ मल्टीटास्किंग सिचुएशन में रखा जाने लगा है, यानी कि ह्यूमंस अपने आप को मशीन्स समझने लगे हैं। हम बहुत फास्ट मूव करते हैं, अभी यहाँ पर काम किया फिर नेक्स्ट वहाँ दिखाई दे रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फास्टर। ट्रांसपोर्ट को हम मेजर करते हैं बच्चों इन किलोमीटर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जनरली इट हैज बीन मेजर इन किलोमीटर डिस्टेंसेस, इन टाइम डिस्टेंसेस एंड कॉस्ट डिस्टेंसेस। किलोमीटर डिस्टेंसेस व्हाट इट मीन्स कि आपको कहीं जाना है और आपको आपने टैक्सी हायर करी, तो टैक्सी जो हायर की है वो आपसे जो चार्ज करेगा पर किलोमीटर डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज करेगा। सो किलोमीटर्स आर मेजर अकॉर्डिंग टू द किलोमीटर डिस्टेंसेस। सेकेंड दैट इज टाइम डिस्टेंसेज। टाइम डिस्टेंसेज वॉट इट मीन्स कि वहाँ पर लगने वाला टाइम, यानी कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, वो टाइम के अकॉर्डिंग दे वैल्यू। ठीक है, तो टाइम डिस्टेंसेज पर भी हम मेजर करते हैं टाइम इसको डिस्टेंस को। एंड अनदर इज द कॉस्ट डिस्टेंस। कॉस्ट डिस्टेंसेज यानी कि पैसा कितना लगेगा, जैसे हम कहते हैं कि एज कम्पेयर टू द एयर बेस, है ना, एज कम्पेयर टू एयर बेस हम बात करते हैं, लैंड बेस एंड वाटर बेस दे आर चीपर दैन द एयर बेस। ठीक है, तो द कॉस्टिंग वॉट एवर इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स, इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन्स, बोथ ऑफ द थिंग्स आर डिपेंडिंग आप कौन से वे से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या जा रहे हैं। इन दैट सिचुएशन यू हैव टू पे अकॉर्डिंग टू कॉस्ट डिस्टेंस। ठीक है, नाउ नेटवर्क एंड एसेसिबिलिटी। नेटवर्क एंड एसेसिबिलिटी वॉट इट मीन्स, नेटवर्क इस नेटवर्क को हम मेटल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज नोड्स एंड लिंक्स। नोड्स क्या होता है जान लीजिए, वॉट टू बी मीन बाई नोड्स। नोड्स का मतलब होता है जब एक प्लेस जो या तो आपके दो प्लेसेस को मिलकर बन रही है, लाइक इट कैन बी द प्लेस ऑफ ओरिजिन, इट कैन बी द प्लेसेस ऑफ ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट हुआ है, इट कैन बी कॉल्ड एज अ नोड। ठीक है, सेकेंड टू रूट्स यानी कि दो रास्ते आगे चल रहे हैं, तो यहाँ पर रोड है, इट कैन ऑल्सो बी द रूट नोड। एंड थर्ड इज द डेस्टिनेशन, यानी कि थर्ड इज द प्लेस वेयर यू हैव टू रीच, यहाँ आपको पहुँचना है, यानी कि या तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है नोड लिंक्स या यहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रूट्स। ठीक है, हमारे नेटवर्क रूट्स कहलाते हैं। सेकेंड होता है लिंक्स। लिंक्स क्या होता है, यू कैन सी दैट वन नोड एंड टू नोड विच आर लिंकिंग टू वन नोड दैट इज नोन एज द लिंक। मीन्स हमने अभी नोड बात करी कि नोड कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री, एक दो या तीन को मिलाकर एक नोड बन रहा है, फिर दो नोड अगर इस तरीके से वहां पर आए तो दो नोड जब मिलकर एक लिंक को शेयर करते हैं दैट इज नोन एज अ लिंक। ठीक है, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, देखिए डिमांड, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेटली ज़्यादा होगी, अगर स्कैटर्ड पॉपुलेशन है तो डिमांड कम होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन डिमांड ऑलवेज डिपेंड ऑन दी पॉपुलेशन। ठीक है, सेकेंड इज अ रूट। रूट व्हाट इट मींस बच्चों, क्या होता है, रूट सभी जगह एक से नहीं होते, कहीं पर
पर बहुत पहाड़ी इलाका होता है ना, कहीं पर बहुत ज़्यादा प्लेनर पार्ट होता है, तो बड़ा इजी कन्वीनियंट होता है। आप देख सकते हैं कि इसीलिए प्लेनर पार्ट में यू कैन सी मोर नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वी आर हैविंग इंस्टेड ऑफ दी माउंटेनियरिंग प्लेसेस, मर्शी लैंड स्टिक है या फिर प्लेटू रीजन, इन सब जगहों के कंपेरिजन में रूट्स कैन बी मेनली मोर फाउंड इन दी प्लेनर पार्ट। ठीक है, तो हाँ क्या लिखा ये है कि ये रूट्स रास्ते सभी जगह एक से नहीं होते, ये डिपेंड करता है कि टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है, हमारा लैंडफॉर्म कैसा है। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन। देखो बच्चों, कम्युनिकेशन ने ट्रांसपोर्ट का बहुत सारा बोझ कम कर दिया है, यानी कि पहले हम अपने लेटर्स और बहुत सारी चीज़ें जो हम कन्वे करते थे दूसरे को, दे हैड बीन ट्रांसपोर्टेड बाय द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओनली, बट इन दीज डेज हैविंग द मोर फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम बहुत सारी चीज़ें जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे कम कर चुके हैं। ठीक है, पहले लेटर्स, पास्ट में ये पोस्टल लेटर्स, इन सबको हम भेजा करते थे, लेकिन इन दिनों इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम से रिड्यूस्ड हो चुके हैं। अदर देन दिस, आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और आप नियर बाई से पा लेते हैं, ठीक है, तो वो भी चीज़ें आप लोगों के ट्रांसपोर्टेशन को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दी है। सो रिड्यूस्ड ओवर द ट्रांसपोर्टेशन। आफ्टर दिस द टेली कम्युनिकेशन, द लास्ट टॉपिक वी हैव बीन रिलेटिंग टू दिस इज टेली कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का पार्ट ही है टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, तो टेली कम्युनिकेशन किस तरीके से बच्चों, कि टेली कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड टू पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। ठीक है, तो टेली कम्युनिकेशन रेफरिंग टू द मास कम्युनिकेशन सिस्टम। मास यानी कि वेन यू आर मैसेजिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स द मोस्ट ऑफ द पीपल, यू आर रीचिंग टू मोस्ट ऑफ द पीपल टू कन्वे योर मैसेज। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड द प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे आप लोगों के टेलीविजन हैं, आप लोगों के रेडियो हैं, आप लोगों के मोबाइल्स हैं, इंटरनेट है, जो भी आप लोगों के टेली कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम ज़्यादा करते हैं। अनदर वन इज द प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया दैट इज द टेक्स्ट, इट मे बी द मैगजीन, इट मे बी द न्यूज पेपर्स एंड अदर्स। ठीक है, इन दैट सिचुएशन इफ यू आर कम्युनिकेटिंग वाया द प्रिंट मीडिया ऑल्सो टू मासेस। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आप करते हैं, न्यूज़ पेपर आता है, तो डेफिनेटली सब लोगों को वो प्रोवाइड होगा। इट्स क्लियर? सो दिस इज द टाइप ऑफ द टेली कम्युनिकेशन वी आर हैविंग। सो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट को पढ़ा और फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट एंड आफ्टर दैट द कम्युनिकेशन पढ़ा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट फैक्टर पर आगे बढ़ करेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, सर्विसेज को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।